हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले बाजू की कटिंग। तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी जो कि बाजू की कटिंग देखनी है। इनको 3 इंच, 6 इंच और 10 इंच की कटिंग देखनी है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो 3 इंच की बाजू कटती हैं ऐसे फिटिंग में आनी चाहिए, पर ऐसे फिटिंग में ना के सीधी आती है और यहाँ से ना चोंच उठती है ऐसे। लाइक बाजू हमारी यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर हल्का हल्का सा लूज आता है और ये बाजू सीधी जाती है, ऐसे शेप में नहीं आती है। तो मैं इस वीडियो में आपको पहले 10 इंच वाली कटिंग करके दिखाऊंगा, फिर 6 इंच वाली, फिर 3 इंच वाली। इसी वीडियो में मैं तीनों कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, 10 पे 10.5 मोहरी है, 6 पे 12.5 मोहरी है, 3 पे 13.5 मोहरी है और चेस्ट जो हमें मिला है 36 इंच का मिला है। तो 36 इंच के आरमोल जो हमारा आएगा 36 इंच के हिसाब से, मान लीजिए 36 - 3 = 33/2 16.5। तो हमारा 16.5 आरमोल आया हुआ है साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास आरमोल नहीं है तो आप साइज़ के अकॉर्डिंग आरमोल निकाल भी सकते हैं बहुत इजी तरीके से। अगर आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग आरमोल निकाला नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा उसके लिए। तो जैसे कि मैंने पैटर्न पेपर लिया होगा, सबसे पहले मैं 10 इंच की बाजू रखने वाला हूँ। तो 10 इंच के हिसाब से सबसे पहले हमें एक निशान लगाना है। मान लीजिए ये ऊपर साइड है, मान लीजिए कंधे साइड का है और 10 इंच की बाजू लंबाई है, तो हम 10.5 पे निशान लगाएंगे क्योंकि हम 1/2 इंच मार्जिन ऊपर सिलने में लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और आरमोल जो डाउन देंगे हम 3.5 इंच का देंगे, ठीक है। और इन निशान को हमें पहले सीधा कर लेना है ऐसे और ऐसे। तुरपाई के लिए हमें मार्जिन लेना है तो हमें एक निशान ये भी लगा लेना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इतना काम हमने बहुत आसानी से कर लिया है। उसके बाद मोहरी है हमारी 10.5, तो हम ऐसे 10.5 रख लेंगे, 1/2, 1.75। और आरमोल हमने निकाला है 16.5, तो हम ऐसे रखेंगे 7.25 और ऐसे आएगा 7.8, 7.8 × 16.5। तो इस तरीके से हमारा आरमोल निकल गया है। उसके बाद यहाँ पे हमें शेप पट्टी यूज़ करना है, सीधी वाली पट्टी यूज़ नहीं करना है, शेप वाली पट्टी यूज़ करनी है। हल्का सा आपने शेप देना है ताकि आपकी बाजू की फिटिंग अच्छी आए इस तरीके से। और एक हमने मार्जिन के लिए निशान लगा लेना है इस तरीके से, जो ये इधर तुरपाई में जो मार्जिन देंगे वो वाला निशान हम ऐसे तिरछा कर लेंगे ताकि कटने के बाद यहाँ पे हमारा मार्जिन आ जाए। अब इतना काम देखिए दोस्तों, मैंने बहुत आसानी से कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आप नापें, यहाँ से 1/2 इंच, ठीक है। मान लीजिए ये निशान हमने सीधा कर दिया और ये जो मैं आपको कटिंग करके बता रहा हूँ ये हम मीडियम गले के हिसाब से बता रहे हैं, मतलब 7.5-8 इंच पीछे, आगे भी 7, 7.5, पीछे भी 7.5-8 के आसपास। अगर ज़्यादा डीप है तो आपका हाला गहरा कटेगा, कम डीप है तो हाला थोड़ा कम कटेगा। यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे एक हमें सीधा निशान लगाना है इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से सीधा निशान लगाना है, ठीक है। बहुत आसान तरीका बताऊंगा, आपने सीधा मेथड यूज़ करना है। यहाँ से देखिए, जैसे जो भी साइज़ आ रहा हो आपने आरमोल रखा, उसके बाद क्या करना है आपने 7 इंच निकाल देना है। उसके बाद क्या करना है आपने, जैसे 7 इंच आ रहा है तो आपको आधे पे एक निशान लगा लेना है सीधा ऐसे ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपने, जो पीछे का हाला कटेगा, ठीक है, जो पीछे का हाला कटेगा वो हमारा 1/2 इंच बाहर कटेगा और जो अंदर का हाला कटेगा वो 1/2 इंच अंदर कटेगा। मैं पीछे वाले के लिए निशान लगा के दिखाता हूँ। और ये जो शेप आएगी हमारी 1 इंच पहले मिल जाएगी, तो हमारी ये शेप ऐसे आएगी इस तरीके से, इस तरीके से आएगी। हमें ये जो शेप लानी है यहाँ पे 1 इंच पहले हमें आरमोल में वापस मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। और जब हम हाला छाटेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ से ऐसे चलना है इस तरीके से, इसमें मिलाना है और वापस आके हमें इसमें मिला देना है इस तरीके से। तो हमने देखिए बहुत आसानी से जो है निशान लगा लिया है। अब मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए कट करके दिखाते हैं। कट करते टाइम में आप एक चीज़ और भी देख सकते हैं, मान लीजिए जिससे आपने जो निशान लगाया है थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है तो उसको आप ठीक भी कर सकते हैं। हम इस हिसाब से कटिंग करेंगे, देखिए। ये मैंने बहुत आसानी से कटिंग किया है, शेप बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ रही है और ये हमारा थोड़ा पहले मिल चुका है। हम नीचे से कट कर लेंगे। तो ये देखिए
हमने पूरी बाजू कट कर दी और बहुत आसान तरीके से कट करी है। उसके बाद हमें चटका लगाना है। तो आप देख सकते हैं हमने चटका लगा लिया है। उसके बाद आपने बाजू खोल लिए हैं, इसे हमें हाला छाटना है। तो हमने क्या करना है, इसी साथ इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने हाले की गहराई देनी है। तो हमने देखिए हाले की गहराई दे दी है। अब वापस हम आरमोल में मिलाने चलेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद हम आगे की साइड में ऐसे चटका लगा देंगे ताकि पहचान रहे कि ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है। तो ये आप देख सकते हैं, हमने बहुत इजी तरीके से आपको बाजू कटिंग करके दिखाई है। तो हमारी बाजू की मोहरी है इसकी 10.5 और वापस 10.5 लिख देना है, ठीक है। तो गैस ये वाली बाजू कट गई है और आई होप आपको समझ में आया भी होगा। अब हम चलते हैं दूसरी बाजू की तरफ। अब हमने दूसरी बाजू काटनी है 6 इंच लंबी। तो हमने अगेन वापस पैटर्न पेपर लेने हैं और इस तरीके से, जैसे कि लंबाई 6 इंच है तो हम 6.5 इंच लंबा निशान लगाएंगे। हमने एक ऐसे निशान लगाया सबसे पहले और ऐसे हम इंची टेप रखेंगे, 6.5 तक निशान ऐसे लगा लेंगे और आरमोल का डाउन वही हम 3.5 पर रखेंगे, ठीक है। हम ये सारे निशान सीधे कर लेंगे पहले इस तरीके से, ठीक है। और जैसे कि बाजू की मोहरी 12.5 है तो हम ऐसे 6.25 रखेंगे। ये देखिए आरमोल हमें अगेन 16.5 देना है तो ऐसे हम 7.25 रखेंगे, ऐसे हमारा 8.25 हो जाएगा। तो ये निशान लग गया हमारा। अब यहाँ पे भी आप हल्का सा शेप यूज़ करें, बिल्कुल सीधा निशान ना लगाएं। इस तरीके से हमें शेप पट्टी हल्की यूज़ करनी है, ठीक है। इस तरीके से हमने फिर वही मेथड अपनाना है इसमें जो हमने 10 इंच में अपनाया था, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये देखिए हमने 7 इंच पे फिर से निशान लगाया है। इसमें कोई भी साइज हो आपको यही सेम मेथड यूज़ करना है कि आरमोल रखना है, उसके बाद 7 इंच निकालना है। उसके बाद जो भी स्पेस आता है, मान लीजिए जैसे ये है, इस तरीके से सीधा निशान लगाया। अब जो भी साइज आ रहा है, 7 इंच इसमें भी आ रहा है, हमने बीच में एक निशान लगाना है, 1/2 इंच बाहर निशान लगाना है और 1/2 इंच अंदर निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से ऐसे मिला देना है इस तरीके से, इस तरीके से, और जो इस साइड को हम ऐसे मिला देंगे, इस तरीके से। तो गैस मैंने बहुत आसान तरीका बताया है और आई होप आपको ये पसंद भी आया होगा और बहुत इजी तरीका है। उसके बाद हम इसको फिर कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। साइड में हमने मार्जिन दे देना है 7 इंच का या 1.5 इंच का, और नीचे भी हमने मार्जिन छोड़ देना है तो हम नीचे भी मार्जिन ऐड कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए वापिस हमने चटके लगा लेने हैं सब में, इस तरीके से। और उसके बाद हमें ऐसे खोलना है। जब भी आप हाला छाटें तो बाजू खोल के ही हाला छाटें, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं गलती से, मान लीजिए दो बाजू हैं, अभी तो हमारी सिंगल बाजू है दोनों लेयर, मान लीजिए डबल बाजू है तो आपने गलती से 3 लेयर लेके कट कर दिया तो आपकी पूरी बाजू खराब हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, इसको हाला छाटना है ऐसे, इसमें भी हमें चटका लगा देना है। इसकी बाजू 12.5 थी तो हम इसकी बाजू 12.5 लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने ये वाली बाजू भी बहुत इजी तरीके से कटिंग करके दिखा दी है। अब हम चलते हैं 3 इंच की बाजू में, जो कि सबसे मेन है। इसके लिए ही मेन हमारे पास क्वेरीज आई हुई है, क्योंकि 3 इंच की बाजू मेगा स्लीव्स में आ जाती है। आपको 2 इंच बाजू देनी है, 1.5 इंच देनी है, 3 इंच देनी है, 3.5 देनी है, 3.5 मैक्सिमम 4 इंच तक आपकी मेगा स्लीव्स में आती है, ठीक है। अब इसे भी हम मेगा स्लीव्स में ही लेंगे और कटिंग कैसे करेंगे वो आप देखते रहें। तो हमें क्या करना है, जैसे कि सबसे पहले एक ऊपर निशान लगाना है। ऊपर निशान लगाने के बाद 3 इंच लंबाई बाजू है तो हम 3.5 पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसमें हमारा मार्जिन भी है तो हमारा वैसे भी 3.5 पे निशान रहेगा। अब ये निशान हमारा बाजू की लंबाई का भी है और आरमोल का भी है, तो हमें एक क्या करना है, इस तरीके से पहले तो एक आरमोल के लिए निशान लगाना है इस तरीके से। अभी मेगा स्लीव्स है तो ये जो हम आरमोल का निशान लाएंगे थोड़ा सा पहले रोक लेंगे। ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ
ताकि आपको आगे मैं अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जैसे कि हमें आरमोल लेने हैं 16.5, ठीक है, तो हम यहीं से आरमोल रखेंगे, ऐसे 7.5, ऐसे 8.25, आरमोल आ गया 16.5, ठीक है। डाउन हमें सेम देना है, 1/4 इंच का ऐसे रखना है और ये निशान हमने इसे सीधा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक ये निशान लगाना है सीधा, हमें ये सीधा निशान लगा लेना है, ठीक है। 3.5 इंच पे एक बीच में निशान लगा लेना है, 7 इंच आ रहे तो हमने एक बीच में निशान लगा लेना है। इसमें क्या करना है, अब छोटी बाजू है तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंच ना लेके 1 सेंटीमीटर कर देंगे, इधर में हम 1/2 इंच ही रखेंगे, पीछे साइड में हम 1 सेंटीमीटर कर देंगे, ठीक है। छोटी बाजू अगर हम ज़्यादा गुलाई देंगे तो हमारा पीछे साइड में फूलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें भी हमें ऐसे शेप दे देनी है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और हाला हम ऐसे छाटेंगे, इस तरीके से, ठीक है। ये छोटी स्लीव्स है तो इसका हाला हमने, आगे का जो हाला छाटा है हमने ज़्यादा ही ऊपर तक कर दिया है। अब इसमें मेन क्या करना है, जैसे कि मेगा स्लीव्स है, अब अगर हम इसकी सीधी बाजू कट करते हैं तो सीधी बाजू जब हम कट करेंगे तो जैसे मोहरी हमारी 13.5 है, तो आप ये देखें हमारी यहीं पे अंदर घुस जा रही है, और अगर हम ऐसे भी कर रहे हैं तो भी हमारी बहुत तिरछा रही है, तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे थोड़ा तिरछा कर देना है, ऐसे जो हम मोहरी बनाएंगे ऐसे तिरछा कर देंगे, 13.5 का आधा 7.25, तो उसमें क्या होगा कि आपके बाजू के नीचे कपड़ा भी आ जाएगा, बिल्कुल अंडर आर्म में घुसेगा भी नहीं और शेप भी स्मूथ हो जाएगी। और यहाँ पे आपने क्या करना है, शेप पट्टी का यूज़ करना है, इस तरीके से, इस तरीके से शेप पट्टी का यूज़ करना है, इस तरीके से। इससे क्या होगा कि आपकी बाजू का बिल्कुल पूरा पीस चिपक के आएगा फिटिंग से और आपकी शेप भी स्मूथ हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी आपकी बाजू बिल्कुल स्मूथ शेप आ रही है, ये आप देखें, ये भी बिल्कुल स्मूथ शेप आ रही है। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान रखना होता है, जब भी आपने स्लीव्स, मेगा स्लीव्स रखनी होती है तो उसमें आपने यहाँ पे मार्जिन सिर्फ 1/2 इंच का ही रखना होता है। अगर आप ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो आपकी जो बाजू है कच्चा करेंगे तो फिनिशिंग उतनी नीट एंड क्लीन नहीं आएगी। और यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, बहुत माइनर सा, अगर आप चाहें तो बहुत माइनर सा ऐसे शेप भी दे सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, बहुत हल्का सा आप शेप दें, बहुत हल्का सा। मैं भी यही कटिंग करूँगा तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं कैसे शेप दे रहा हूँ, तो बहुत हल्का सा शेप दें, ठीक है। अब मैं इसे कट करके दिखाता हूँ, देन उसी में आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए इतना काम हो गया है। अब हम जब इसे कट करेंगे तो हमने यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन लेना है, ये देखिए इसे हमने कर लिया स्मूथ। तो अब आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल स्केल वाला शेप नहीं लिया है, हमने हल्का सा शेप दिया है। अब उसमें क्या होगा कि हमारी बाजू की गोलाई अच्छे से आएगी, और यहाँ पे आप कपड़ा भी देखें सीधा आ रहा है। अगर यहाँ पे हम रखते 13.5 और सीधा, तो ये आप देखिए बिल्कुल हमारा इसमें घुस रहा है, तो ये चोंच बनती, लेकिन हमने हल्का सा फैला दिया है तो हमारे बाजू की शेप बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ गई है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप एक बाजू बना के देखें और पहन के देखें, या आप जेंट्स हैं किसी के लिए बना के पहना के देखें, तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया है काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है। मैं इस पैटर्न को बहुत यूटिलाइज़ करता हूँ अपने बुटीक में। और इस तरीके से हमने चटका लगा देना है, यहाँ पे आप भी चटका लगा दें इस तरीके से। बट जब ये मेगा स्लीव्स आप कट करते हैं तो आपने हमेशा याद रखना है कि आपको जो है यहाँ पे मार्जिन नहीं देना है, यहाँ पे आपने जस्ट 1/2 इंच का मार्जिन देना है। तो ये आप देख सकते हैं, इसे हम गोल बाजू भी कह सकते हैं, ये हमारी गोल बाजू आती है और ये पूरी बाजू बहुत अच्छे से फिट होके आती है। ज़्यादातर मैंने देखा हुआ लोग ओरेब में कट करते हैं, बट ओरेब में यहाँ पे सीधा होता है, और अगर सीधा नहीं भी होता है तो यहाँ से बाजू खिंचती है, यहाँ से बाजू नहीं खिंचती, यहाँ से खिंचती है, तो वो उतना अच्छा स्मूथ फिनिशिंग नहीं लाता है। बट आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फिनिश मिलेगा। उसके बाद जो है हमें इसका हाला काटना है ऐसे,
हमने हाला छाट देने हैं। इसमें भी आप एक चक्का लगा सकते हैं फ्रंट और बैक पहचान करने के लिए। और इसकी बाजू हमारी 13.5 थी तो इसमें भी हम 13.5 बाजू लिख देंगे। जो भी मेजरमेंट रखना होता है वो सब चीज़ आप जो है साथ ही साथ लिखते हुए चले, वो आपको आगे के लिए बेहतर रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारी मेगा स्लीव्स हो गई, ये थोड़ी उससे बड़ी हो गई, और ये मेन जो ब्लाउज और सूट में दोनों में चलती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको 3/4 बाजू, फुल बाजू, मेगा स्लीव्स बाजू सीखनी है सही तरीके से, तो पफ स्लीव्स में छोटी पफ स्लीव्स कैसे कट की जाएगी और फुल स्लीव्स में पफ स्लीव्स कैसे कट की जाएगी, 3/4 में पफ स्लीव्स कैसे कट की जाएगी, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं पफ स्लीव्स की एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँगा, छोटा भी, 3/4 भी और फुल भी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और इसी तरीके से आप हमारी वीडियो को देखते रहें, खुश रहें और हैप्पी रहें और ऐसे ही काम करते रहें, सीखते रहें। और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ में, तब तक लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।